का राजभवन मार्च है, बिहार बचाओ मार्च के नाम से हम लोग जेपी गोलंबर से लेकर हम लोग राजभवन तक हम लोग जाएंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनको मौजूदा बिहार की परिस्थितियों से, बिहार के हालातों से और बिहारियों की समस्याओं से उनको हम लोग अवगत कराने का हम लोग कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। युवा नेता चिराग पासवान आज राजभवन मार्च पर निकलेंगे। आपको बताएं कि ये पहला राजभवन मार्च है जो चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर होने वाले चिराग पासवान आज राजभवन पहुंचेंगे और वहां राज्यपाल से मिलकर ये मांग करेंगे कि सीएम नीतीश कुमार को बर्खास्त किया जाए। जी हां, आपको बताएं कि ये बिहार बचाओ मार्च जो चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है, इसकी शुरुआत जेपी गोलंबर से की जाएगी और जेपी गोलंबर से राजभवन तक ये पैदल मार्च चिराग पासवान निकालेंगे, जिसमें उनकी मां भी उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगी और साथ ही सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो मार्च है वो आज चिराग पासवान की तरफ से निकाला जाएगा। ऐसे में आपको बताएं कि जितने भी अलग अलग जिले से कार्यकर्ता हैं वो राजधानी पटना पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में, भारी मात्रा में ये मार्च आज पटना की सड़कों पर नजर आएगा। ऐसे में तैयारी चिराग पासवान की तरफ से पूरी कर ली गई है। इतना ही नहीं, जब हमने चिराग पासवान से बात किया, जब मैंने खुद उनसे इस राजभवन से जुड़े हुए मैंने उनसे सवाल किए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचते हैं, बिहार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं और ना ही बिहार के विकास के लिए कोई काम कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपराध को लेकर भी चिराग पासवान ने खुलकर बोला है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है और यही वजह है कि अब राज्यपाल से मिलकर सीधे सीएम नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग चिराग पासवान की तरफ से की जाएगी। ऐसे में आज जेपी गोलंबर से इस बिहार बचाओ जो अभियान है, जो मार्च है, उसकी शुरुआत चिराग पासवान कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनकी मां भी नजर आएंगी और खुलकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा। ये पैदल यात्रा चिराग पासवान करेंगे जिसमें सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक चिराग पासवान नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें इस मार्च से निकलकर सामने आएगी, किस तरह से इस पैदल मार्च में चिराग पासवान का गुस्सा, उनका आक्रोश देखने को मिलेगा, ये तमाम तस्वीरें, वो तमाम खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है और ये पहला पैदल मार्च है जो राजभवन मार्च है वो चिराग पासवान की तरफ से आज किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।